हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास में आईफोन है उस पे इस टाइम पे लगा हुआ है आईफोन डिसेबल का, ये आप देखते हैं कि आईफोन इज डिसेबल कनेक्ट टू आईट्यून्स। तो चलिए इसका एरर ये फिक्स करते हैं आईफोन डिसेबल का। उसके बाद में इसके साथ में एरर आ रहे थे आईट्यून्स पे, अगर हम कर रहे थे तो यहाँ पर एरर आ रहे थे, वो भी इसके साथ में ही हम फिक्स करेंगे। तो और यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है आप देखते हैं यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर डीप रिपेयर है, तो हम डीप रिपेयर पे क्लिक करेंगे। डीप रिपेयर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप डीप रिपेयर पे, यहाँ पे आपको एक वार्निंग आती है कि अगर आप डीप रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर सारा कुछ जो भी डिवाइस में है वो इरेज हो जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम, फिक्स नाउ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आ जाता है कि आप अपने मोबाइल फोन को DFU मोड पे करें। तो चलिए किस तरीके से DFU मोड पे करेंगे, सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर पावर बटन है एंड यहाँ पर होम बटन है, दोनों को एक साथ में हम प्रेस करके रखेंगे तब तक कि जब तक कि ये DFU मोड पे नहीं आ जाता है। तो DFU मोड पे कैसे आता है आपको हम अभी दिखा रहे हैं। जैसे ही आप प्रेस करके रखेंगे मोबाइल अपने आप बंद होगा, उसके बाद में यहाँ पर ऑन होगा और यहाँ पे आपको कनेक्ट टू आईट्यून्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये आप देखते हैं ये है DFU मोड। अब हम आप इस मोबाइल को यहाँ पर सेट कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। यहाँ पे आपके पास में फिर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना है जो कि आपके मोबाइल के सपोर्ट में यानी कि कंपेटेबली होगी, वो यहाँ पे डाउनलोड होगा यानी कि वेरीफाई करेंगे। तो हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है लेकिन अभी पर यहाँ पे ऑप्शंस ओपन नहीं हुआ है, पहले यहाँ पे वेरीफाई होगा उसके बाद में यहाँ पर ये ऑप्शंस ओपन होंगे। ये हो गया प्रोसेस में, अब इस पे हम करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जहां पर भी हमारी फर्मवेयर रखी हुई है। सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फर्मवेयर आ जाएगी, आ गई। अब हम यहाँ पर रिपेयर पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं वेरीफाइंग एंड एनालाइज द फर्मवेयर पैकेज यानी कि आपकी जो भी पैकेज है उसको यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि सेम है या फिर नहीं है, कंपेटेबल है या नहीं है। उसको वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी डिवाइस को रिपेयर करने की। तो सारी की सारी प्रोसेस आपके सामने ही होगी, आप देख सकते हैं एक भी स्टेप हम यहां पर स्किप नहीं करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं लगने वाला है, तो यहां पर हम थोड़ा से वीडियो को करते हैं स्किप और जैसे ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है फिर हम आपको दिखाते हैं। जब तक कि यहां पर 100% होता है उसके बाद में ही ये प्रोसेस आगे की रिपेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी जो फर्मवेयर वेरिफिकेशन की जो वेरीफाई एंड एनालाइजिंग का जो प्रोसेस था वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, 100% हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी कि आईफोन रिपेयर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपेयरिंग द डिवाइस प्लीज वेट, तो यहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम भी आ रहा है नीचे, आप देखते हैं कि एस्टिमेटेड टाइम यहाँ पर 10 मिनट से यानी कि 10 मिनट तक जा सकता है। तो हम वेट करते हैं, यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं जब तक कि इसकी डिवाइस रिपेयरिंग की प्रोसेस के नज़दीक पहुँचती है, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है, रिपेयर होता है या फिर नहीं होता है या फिर ये आईट्यून डिसेबल ऐसे ही लगा रहता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है यानी कि डिवाइस रिपेयर होना स्टार्ट हो चुकी है कि इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आपको नीचे एप्पल लोगो के नीचे एक लाइन सी दिख रही होगी प्रोसेस की नोटिफिकेशन यानी कि डिवाइस सही तरीके से रिपेयर होने के लिए रेडी है। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, उसके बाद में फटाफट से ये रिपेयर होके रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होने वाली होती है तब हम आपको दिखाते हैं आगे की प्रोसेस। देखते हैं कि रिपेयरिंग की प्रोसेस तकरीबन डन होने वाली है यानी कि कंप्लीट होने वाली है, फिनिश की ओर पहुँच रहे हैं, 93% हो चुका है। और अगर आप में से किसी के पास में भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है आईट्यून्स एरर में किसी भी तरीके का आती है या फिर आईफोन में एरर आता है, इवन यहां तक कि अगर आपके पास कोई आईफोन है पुराना जिसमें iOS 11.4 तक का वर्जन पड़ा हुआ है और उस पर iCloud लगा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे कांटेक्ट कर सकते हैं via WhatsApp, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इस तरीके के जो भी आईफोन है डिसेबल आई क्लाउड 11.4 या फिर एरर आ रहा है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रोसेस तकरीबन डन होने वाली है, 99.0% हो चुका है। तो यहाँ पर ये एरर आप देखते हैं कि हम बहुत ही आसानी से इसे फिक्स कर सकते हैं। आप देखते हैं कि लिख के आ चुका है आईफोन की रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आप आईफोन को अपने डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है आईफोन यूज के लिए रेडी हो जाता है। सो फ्रेंड, आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी आऊँ लाइव या फिर अपलोड करूँ कोई नई वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अमर टेक वर्ल्ड।